सो गाइस, अगर आपको 15,000 में एक न्यू स्मार्टफोन लेना है तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप लोग एक ऑलराउंडर फोन को ही परचेज करना। ऑलराउंडर फोन का बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस टाइप के फोन में आपको किसी भी स्पेक्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। तो आज मैं आपको इस टाइम के टॉप 5 सबसे बेस्ट ऑलराउंडर फोन के बारे में बताऊंगा जिनको आप 15,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हो। ये सारे के सारे फोन 5G हैं एंड एक फोन तो स्नैपड्रैगन 778G के इस तगड़े वाले प्रोसेसर पर आता है और इसी फोन में आपको 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अपने सारे डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन वाले पार्ट को जरूर देखना है। इसको देखकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप लोग अपने लिए एक अच्छा फोन ले पाओगे। तो चलिए अब इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे शुरू में बात करेंगे नंबर 5 वाले फोन की और धीरे धीरे करके नंबर 1 तक जाएंगे। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है Redmi Note 11T 5G। अगर आपको Redmi या फिर MI की ब्रांडिंग वाला एक 5G स्मार्टफोन लेना है 15,000 के प्राइस ब्रैकेट में तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए जबरदस्त रहेगा। इसकी फ्रंट साइड में 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली LCD डिस्प्ले का पैनल लगा है और इसकी डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसकी डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है और इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। ताकत के लिए इसमें लगा है Dimensity 810 का प्रोसेसर और ये स्मार्टफोन 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जैसे कि इसमें आपको 2 मंथ्स का YouTube प्रीमियम फ्री मिलता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर्स इसके अंदर लगे हैं। अब बैटरी पर आए तो 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिल जाएगा। बैटरी है 5000 mAh की। कैमरा ज्यादा ग्रेट नहीं है, 50+8 MP का डुअल कैमरा सेटअप इसके बैक में लगा है और फ्रंट साइड में आपको सेंटर में 16 MP की सेल्फी मिलेगी। और कैमरे के लिए इसी स्मार्टफोन को मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। फाइनली प्राइस की बात करें तो अमेजोन पर 1000 का कूपन अप्लाई करने के बाद इसकी 6GB की रैम और 128GB के स्टोरेज के लिए आप लोगों को पूरे 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए गाइस, अब वीडियो में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। तो अगर आपका बजट कम है और आपको 14,000 के प्राइस में एक तगड़ा सा गेमिंग फोन लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा Vivo T1 5G। इसमें स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट लगा है और ये चिपसेट इस टाइम पर 15,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट में काफी पॉपुलर चिपसेट है। टोटल 2 5G बैंड्स को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है एंड इसका अंतुतु स्कोर 4,10,000 के प्लस आता है। इससे आप COD को वेरी हाई सेटिंग्स में खेल सकते हो और PUBG न्यू स्टेट को आप लोग HD हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे। गेमिंग में ये स्मार्टफोन हीट को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है क्योंकि इसमें 5-लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगा है। डिस्प्ले पर आए तो इसकी फ्रंट में 6.58 इंच की फुल HD प्लस वाली LCD डिस्प्ले का पैनल लगा है और ये डिस्प्ले नोच वाली है जो इस टाइम पर ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। जो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ठीक है एंड गेमिंग में आपको काफी अच्छी स्मूथनेस मिल जाएगी। एंड्रॉइड 12 पर ये स्मार्टफोन रन करता है और इसके टॉप मॉडल में आप लोग 4GB की रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड मिलेगा और एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। आते हैं इसके कैमरा पर, तो इसके बैक में 50+2+2 MP का ट्रिपल कैमरा है और इसके बैक में अल्ट्रावाइड कैमरा नहीं है। फ्रंट में आपको 16 MP की सेल्फी मिलेगी और इसके कैमरे में आपको सुपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट, बुके मोड, ऑटो फोकस एंड लाइव फोटो जैसे मोड मिल जाएंगे जिससे आप लोग काफी क्लियर एंड शार्प इमेजेस क्लिक कर पाओगे। अब आते हैं बैटरी पर। 5000 mAh की बैटरी है और 18 वोट का छोटा चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिल जाएगा। फाइनली प्राइस की बात करें तो फ्लिपकार्ट पर इसके 4128 के लिए आप लोगों को ऑफर वगैरह अप्लाई करने के बाद 13,990 रुपए देने पड़ेंगे और इस प्राइस पॉइंट में ये काफी पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन है। अब नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अगर आपको एक ब्रांडेड एंड नॉन चाइनीज 5G स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M33 5G को परचेज कर सकते हो। इसमें एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर लगा है Exynos 1280 का और ये प्रोसेसर 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है एंड इसी स्मार्टफोन से आप BGMI को HD हाई सेटिंग्स में खेल सकते हो। परफॉर्मेंस इसी स्मार्टफोन की काफी पावरफुल है। इसके 6GB रैम वाले मॉडल में आप लोग 6GB तक की रैम को बढ़ा सकते हो और 8GB रैम वाले मॉडल में आप लोग 8GB तक की रैम को बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली LCD डिस्प्ले का पैनल लगा है और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। भाई सैमसंग की डिस्प्ले है तो ऑफ कोर्स डिस्प्ले की क्वालिटी काफी जबरदस्त होगी और यहाँ पर आपको स्मूथनेस एंड क्वालिटी डिस्प्ले के अंदर काफी टॉप नॉच मिल जाती हैं। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड मिलेगा और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। बैटरी पर आए तो यहाँ पर आपको बैटरी नहीं 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा मिल जाता है लेकिन डिब्बे के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में 50+5+2+2 MP का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 8 MP की नोच वाली सेल्फी मिलेगी। इसके बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियोस को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे। इसी स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी
काफी जबरदस्त है। इसके कैमरे में आपको सिंगल टेक का एक काफी तगड़ा फीचर मिल जाएगा जिसकी मदद से आप लोग वीडियोज एंड फोटोज काफी अच्छे ले पाओगे। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो अमेजोन पर इसके 628 का इफेक्टिव प्राइस है 13,000 रुपए। 13,000 के प्राइस में इसी स्मार्टफोन को आप अमेजोन से परचेज कर पाओगे और इस प्राइस में ये स्मार्टफोन अपने आप को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर देता है। अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो गाइस अगर आप लोगों को 15,000 के प्राइस पॉइंट में एक तगड़ी गेमिंग वाला स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग Realme 9 SE को परचेज कर सकते हो। इसमें स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल प्रोसेसर लगा है और इसका अंतुचु स्कोर 500,000 के प्लस आता है और ये स्मार्टफोन 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इसमें आपको एक बजट लेवल की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल जाएगी और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसी स्मार्टफोन से आप किसी भी गेम को मीडियम टू हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे। Realme ने एक अच्छे लेवल की डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर सेट की है। 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में लगी है और 144Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट इसकी डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा जिससे स्मूथनेस यहां पर आपको काफी जबरदस्त मिलेगी। कैमरा पर आए तो 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा इसके बैक में लगा है और इसके बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियोस को 30fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा से स्मार्टफोन का ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा कैमरा इसके अंदर नहीं लगा है। UFS 3.1 का स्टोरेज है जिससे डेली मल्टीटास्किंग में ये स्मार्टफोन काफी फास्ट परफॉर्म करेगा। 2 SIM और 1 अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। अब बैटरी पर आए तो 5000mAh की बैटरी है और 30W का फास्ट चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो इसके 628 के लिए आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर 14,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन पोको X4 Pro 5G। इसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले का पैनल लगा है और इसकी डिस्प्ले में 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट है और जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर इसी स्मार्टफोन में लगा है जो 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी और गेमिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन हीट को कंट्रोल कर लेगा क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगा है। अब बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। कैमरा इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा है। इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं, 1 SIM और 1 अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं बैटरी की। तो 67W का फास्ट चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिल जाएगा और 5000mAh की बैटरी है। भाई इतना बड़ा चार्जर आपको 15,000 के प्राइस पॉइंट में किसी दूसरे स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा। बात करते हैं प्राइस की। तो इसके 664 के लिए आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर 14,749 रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को एक सबसे बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन लेना है तो मैं आप लोगों को 2 स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा, Realme 9 SE एंड Vivo T1 5G। Redmi Note 11 T5G को हमने ब्रांड लवर वाले सेक्शन में रखा है। अगर आपको MI या फिर Redmi का एक 5G स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इसी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। Samsung M33 बेस्ट डील की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है और Poco X4 Pro 5G सबसे ऊपर ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आता है। इसी स्मार्टफोन को कोई भी यूजर परचेज कर सकता है। ये हैं 5 5G स्मार्टफोन जिनको आप 15,000 के प्राइस में परचेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।